ओके, तो आज के इस लेक्चर में अपन लोग क्या देखने वाले हैं कि जो सिस्मिक एनालिसिस में हम लोग डायनामिक एनालिसिस करते हैं, डायनामिक में जो सबसे पहला आता है दैट इज लीनियर के अंदर रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, वो देखने वाले हैं अपन लोग, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको देखना। और सिंपल है वैसे, कुछ एक दो क्लिक्स में ही हो जाएगा काम, कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये हमारा जो कल का प्रोजेक्ट है लास्ट, जिसमें अपन ने इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड दैट इज लीनियर वाला मेथड से अपन ने सिस्मिक एनालिसिस किया था, वो बना हुआ है अभी। तो क्योंकि हम लोगों ने कल एनालिसिस कर लिया था तो ये अभी भी लॉक है ना, तो वी फर्स्ट नीड टू अनलॉक इट, ठीक है ना, कुछ चेंजेस करना है तो मैं अनलॉक पे क्लिक करूंगा। इट विल से कि अनलॉकिंग मॉडल विल डिलीट ऑल द एनालिसिस रिजल्ट, कोई बात नहीं, ओके कर देना इसको, ठीक है। इट इज अनलॉक नाउ, नाउ वी कैन चेंज व्हाटएवर वी वांट टू, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सबसे पहले हम लोग डिफाइन में जाएंगे, हम सिस्टम को बताएंगे कि भाई ईटैब को बताएंगे कि हमको कैसे कैसे काम करना है, कौन सा मेथड से काम करना है। तो पहला काम हमेशा यही रहेगा कि आप लोग जाके एक बार लोड पैटर्न में चेक कर लो कि आपने सेस्मिक को डिफाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा। ये सेस्मिक डिफाइन करना हमेशा जरूरी है, भले आप लीनियर करो, नॉन लीनियर करो, जो भी करो, क्योंकि ये मेन लोड पैटर्न है। अगर ये डिफाइन है तो ठीक है, नहीं डिफाइन है तो इसको डिफाइन करो, जैसे हमारे केस में डिफाइन है। इफ वी गो टू मॉडिफाई एंड वी कैन चेक कि हमारी कल वाली सारी प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है ना, और ये वो प्रॉपर्टी होगी जो आपको चाहिए, ठीक है ना। एक्स वाई डायरेक्शन सेलेक्ट है, एवरीथिंग इज देयर, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा पहले से ये है, अगर नहीं है तो आपको करना होगा। Again press okay. Now, अब सिस्टम को बताना है कि हमको रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से करना है, तो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, इट कैलकुलेट्स इटसेल्फ, ठीक है। विल गो टू डिफाइन एंड देन वी विल गो टू फंक्शंस, ठीक है। डिफाइन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फंक्शन पे, एंड फंक्शन पे हमारे पास आता है रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है। कहाँ गए हम लोग, डिफाइन में, विल गो टू फंक्शन, हाँ, तो विल गो टू फंक्शन एंड देन विल गो टू रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। I'll click on response spectrum. कुछ पहले से दो फाइल्स बनी हुई है, अभी हमको उसको नहीं देखना है, ठीक है ना, these are by default, हम लोगों को हमारे हिसाब से हमारा सेंड करना है। तो we'll click this, ठीक है, that is choose function type to add. I'll click this and I'll click IS 1893 2016, ठीक है, मैं ये सेलेक्ट करूंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको add new function पे क्लिक करना है, that you are adding a function based on IS 1893, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया एंड I'll click add, ये इधर कुछ भी selected हो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। IS 1893 सेलेक्ट किया एंड देन I'll click add new function, और मेरा फंक्शन आ गया, तो मैं फंक्शन को नाम दे देता हूँ, ठीक है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, कुछ भी आप दे सकते हो, RS 12 RS 3, कुछ भी। मैं चाहता हूँ थोड़ा ये सही से रहे, ध्यान रखना। फंक्शन डैम्पिंग रेशियो 5% अराउंड रहता है, 0.05, ये चीज फिक्स है, IS 1893 से आई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी वो सारी चीजें फिक्स करनी है जो आपने पहले करी थी। सीस्मिक जोन कौन सा है अपना, सीस्मिक जोन सॉरी सेकंड था, ठीक है। पोर्टेक्स फैक्टर अपना 1.2 था, ठीक है। सॉइल टाइप अपनी 1 थी, ठीक है, और रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ध्यान तो 3 था हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ये चीजें क्लिक करोगे, इधर राइट हैंड साइड में पीरियड और एक्सक्लेमेशन खुद ब खुद उसका सेट होता रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है बिल्डिंग का हमारा, इसके रेस्पेक्ट में, पीरियड के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसके एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो कैसे कैसे चेंज होगा वो सब हमारे रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड में पहले से प्री डिफाइंड कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। आज जस्ट सिंपल प्रेस ओके, ठीक है। क्या किया मैंने, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लिखा, डंपिंग रेशियो 5% फिक्स होता है, 0.05, सेस्मिक जोन वगैरह आपको यहाँ पे वही लेना है जो आपने पहले लिए थे। कुछ एक चीजें इसने पहले से रीड कर ली है, जैसे सेस्मिक जोन फैक्टर 0.1, और बस एक ही किया है इसने, ठीक है। तो बाकी अपन को सेलेक्ट करना है सारा का सारा, एंड जस्ट प्रेस ओके, ठीक है। तो अपना रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया, ठीक है। आई कैन प्रेस ओके, ठीक है। बिल्डिंग का रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब इसको सेस्मिक से लिंक करवाना है, ठीक है ना। वो सेस्मिक पैटर्न जो हमने पहले बताया वो, और जो अभी हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया, इन दोनों को लिंक करना है। तो आई अगेन गो टू डिफाइन, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इस लोड केसेस में, जहां तक हम अभी तक हमने इसको टच नहीं किया था, लोड केसेस को। और मैंने कहा था जब अपन अर्थक्वेक एनालिसिस में आएंगे तो वी विल सी कि ये लोड केसेस क्या काम करते हैं। लोड कॉम्बो हमने दे रखा है, लोड पैटर्न दे रखा है, शेल, यूनिफॉर्म लोड शेल के लिए लगते हैं, बाद में आएंगे, और लोड केसेस में हमको देखना है आज, ठीक है। तो मैं लोड केसेस पे क्लिक करूंगा, तो लोड केसेस आ रहे हैं, डेड, लाइव, विंड एंड सीस्मिक, ठीक है। इसमें अपन सिस्टम को बताते हैं कि वो लोड कैसे लग रहे हैं, जैसे ये सारे लीनियर स्टैटिक में लग रहे हैं, ठीक है। अब मेरा जैसा रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लगेगा तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ऐड न्यू केस, ठीक है। आई एड अ न्यू केस, लोड केस का नाम पूछ रहा है, मैं इसका नाम भी वही दूंगा, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ओके। और लोड केस टाइप के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आई विल हैव अ बंच ऑफ ऑप्शन, तो आई विल सेलेक्ट रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। नेक्स्ट क्लास में जब हम टाइम स्टे करेंगे तो हम टाइम स्टे पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो आई विल क्लिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे कुछ चेंज होगा, यहाँ पे लोड्स अप्लाइड पूछ रहा है, we must have to add the loads in both the direction x and y, क्योंकि आपने पैटर्न x y दोनों में सेलेक्ट कर रखा है। क्लिक ऐड, ऐड करोगे तुम्हारे पास आएगा एक्सेलरेशन और एक ये u1 जो है इट इज x डायरेक्शन, ठीक है ना, x डायरेक्शन है। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जस्ट जो अभी रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डिफाइन किया है इससे पहले फंक्शन, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। नाउ इट इज आस्किंग फॉर अ स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर के लिए मैं आप लोगों को एक फाइल शेयर करता हूँ, ठीक है, कैसे निकालते हैं स्केल फैक्टर वो समझाता हूँ मैं। थर्ड ईयर रीटैप स्केल फैक्टर, कहाँ गया ओके, कैलकुलेशन ऑफ स्केल फैक्टर। किसी बिल्डिंग का एक स्केल फैक्टर होता है, ये फोटो आपके सामने शेयर हो रहा होगा। स्केल फैक्टर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जी बाय 2r। आई है इंपॉर्टेंस फैक्टर, हमारे केस में 1.2 था। अगर 1 भी लेके चलोगे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आना वाला, ठीक है ना। बहुत सी जगह पे 1 ही लेके चल लेते हैं वो लोग, क्योंकि ये नया डिफाइन हुआ है नंबर, इसलिए। जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना वो मीटर में होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और आर होता है हमारे पास रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, जो हमने ले लिया है अभी 3, ठीक है। और अब ध्यान रखना कि ये जो जी है इस न्यूमेरिकल के अंदर mm पर सेकंड स्क्वायर में लिया जाता है, ठीक है ना। भाई सॉरी, हमारा जो ईटैब है वो mm पर सेकंड स्क्वायर में लेता है। जैसे कैसे लेता है हम लोग देखते हैं। इफ आई गो टू ईटैब एंड अभी एक बार के लिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जो भी अपना रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम वाला चल रहा है, मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मैं केस को भी कैंसिल करता हूँ, एक बार ऑप्शन में जाता हूँ, आई विल गो टू डिस्प्ले यूनिट्स, ठीक है। डिस्प्ले यूनिट्स में मतलब मेरा ईटैब कौन कौन सी यूनिट ले रहा है। आई विल गो टू टाइम रिलेटेड एंड इफ आई सी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ये mm पर सेकंड स्क्वायर में ले रहा है, तो 9.81 को मेरे को 9810 लिखना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशंस के हिसाब से। आई क्रॉस इट, आई अगेन गो टू डिफाइन, वही पहले जैसे मैंने तुमको बताया, लोड केसेस में जाएंगे हम लोग, ऐड न्यू केस करेंगे, ठीक है। आई विल राइट हियर रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, I'll add response spectrum from this and I'll add a new point. अब मैं स्केल फैक्टर पे फिर से आ गया हूँ, ठीक है। तो मैं वही फोटो पे जाऊंगा मेरे, ठीक है। IG by 2R, I is the importance factor and G is the by 2R is the your R is the response reduction. अब इन लोगों ने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है। ये फोटो शेयर हो रहा है कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेशन ऑफ स्केल फैक्टर करके नंबर्स लिख रखे हैं जो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है। तो इन्होंने आई देखो, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 ही ले रखा है जिस बंदे ने कैलकुलेशन की है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 की जगह 9801 लिया, ठीक है। आर की वैल्यू उन लोगों ने 3 ली, ठीक है। हमारे केस में आर की वैल्यू 3 है पर आई की वैल्यू हमारे पास 1.2 है, ठीक है। तो टू मेक इट प्रिसाइसली करेक्ट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। विल कैलकुलेट इट, कोई टेंशन नहीं है। आई विल गो टू कैलकुलेटर, I have I into G, that is I हमारे पास था 1.2 multiplied by 9801, I'll get around 11761 divided by, we are having 6, I think 1960.2, sorry 1960.2 1960219, I'll go to ETAB and I'll write it here 196.0.2, ठीक है। ये एक हमने पूरा कर दिया, यहाँ डिफॉल्ट में मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन सेलेक्ट है, u1 डायरेक्शन x डायरेक्शन सेलेक्ट है, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इज सेलेक्टेड, 1960.2 स्केल फैक्टर इज सेलेक्टेड। आई विल अगेन क्लिक ऐड फॉर दी अदर डायरेक्शन, एक दूसरी डायरेक्शन के लिए भी मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो वो दूसरी डायरेक्शन के लिए कैसे ऐड करूंगा, सिंपल है, एक्सेलरेशन है u1 की जगह पे मैं u2 सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। डिफॉल्ट की जगह पे मैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम सेलेक्ट करूंगा और यही जो चीज है ऊपर वाली इसको कॉपी करके आई विल क्लिक हियर एंड पेस्ट इट, ओके। तो दिस इज डन, ठीक है। ये दोनों हमारे सेलेक्ट हो गए, बस कुछ नहीं करना, आई विल प्रेस ओके एंड देन अगेन आई विल प्रेस ओके, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पांस स्पेक्ट्रम सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्या स्टेप्स थे हमारे पास, वी वेंट इनटू द डिफाइन, पहले जाके हम लोगों ने क्या किया, हमारे पैटर्न्स देख लिया कि पैटर्न में सेस्मिक है कि नहीं है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी सही है कि नहीं है, ठीक है, वो हमने देख ली। हमारे केस में सब कुछ सही था, ठीक है। फिर मैं गया था डिफाइन में, then I went to function, then I went to the response spectrum में मैंने ऐसे कोड सेलेक्ट करके एक add new function किया, जैसे कि अगर अपन देखें फिर से एक बार, तो यहाँ जाके मैंने ऐड न्यू फंक्शन किया, यहाँ पे मैंने रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का नाम डाला, ये सेस्मिक जोन सोर्स सारी चीजें हमने कल डिफाइन करी थी वो करी, पीरियड डंपिंग रेशियो 5% रखा हमने सिंपल, एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। आई कम बैक, फिर मैं डिफाइन में गया, Then I went to our कहाँ गया था मैं? लोड केसेस। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि लोड केसेस, लोड पैटर्न सब साथ साथ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू कीज किया, ठीक है, आई ऐड दी रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, फिर मैंने उसको यहाँ से रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम सेलेक्ट किया, आई ऐड बोथ दी फाइल्स, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, देन आई प्रेस ओके। तो सेम एज दैट रेस्पॉन्स स्पेसिफिक एनालिसिस की एक सही बात यह है कि इसको कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता है, मतलब ईटैब खुद ब खुद बिल्डिंग्स पे अप्लाई कर देता है इस चीज को, नीड नॉट टू वरी अबाउट कि किधर अप्लाई करना है, क्या करना है, ऑल दैट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, सिंपल वी गो टू एनालाइज एंड एनालाइज आवर बिल्डिंग, हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आई विल गो टू एनालाइज, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सेट लोड केसेस टू रन। मेरे को सब केसेस रन नहीं करवाने हैं, ठीक है, तो मैं अभी विंड रन नहीं करवा रहा हूँ, इवन मैं आज डेड भी रन नहीं करवाऊंगा और लाइव भी रन नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे को सेस्मिक एनालिसिस करना है, तो मैं फर्जीवाड़ा दूसरा नहीं करूंगा अभी, ताकि मेरा सिस्टम फटाफट चले। तो लाइव पे जाके मैं क्लिक करूंगा रन डू नॉट रन, तो एक्शन के अंदर आ जाएगा डू नॉट रन, डेड के अंदर जाके भी डू नॉट रन। तो मैं सिर्फ सेस्मिक और रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को ही मैं क्या करा रहा हूँ, रन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई विल प्रेस रन नाउ, आई विल क्लिक रन नाउ, तो इट विल रन। एनालिसिस में बहुत काम आएगा आप लोगों के कि आप कितना करते हो। देखो आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स कर रहे हो कोर्सेरा से, यूडेमी से और एडेक्स से भी कर रहे हैं, बहुत सारे जने आपके सीनियर्स भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा होगा कि उसके अंदर आप पेपर पब्लिशिंग भी आपके डाल दो, बहुत अच्छा टाइम है अभी आपके पास करने का, ठीक है। तो पेपर पब्लिशिंग में भी आप लोग क्या करो, किसी को करना हो, इंटरेस्ट हो, तो मैं तुमको गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, मतलब पेपर प्रिपेयर कैसा करना है वो मैं बता दूंगा। फिर इट विल डिपेंड ऑन दी कॉन्फ्रेंसेस की कौन सी कॉन्फ्रेंसेस आती है, कौन कौन सी जर्नल्स है जिसमें आप कर सकते हो, ठीक है। पेपर पब्लिशिंग बहुत अच्छी चीज होती है एक इंजीनियर के लिए। ओके, सो द एनालिसिस इज डन, इट इज रिफ्रेशिंग विंडो, वी कैन सी कि भाई ऐसा सा है। अपन एक बार रेस्पॉन्स पे इसका सॉरी स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट देख लेते हैं। आई विल गो टू डिस्प्ले, आई विल गो टू स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट एंड इफ आई जस्ट मेक इट बिग, और अगर मैं केसेस में हमारा रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम सेलेक्ट कर लो तो आई कैन सी नीचे वाली स्टोरीज कम रिफ्लेक्ट हो रही है, ऊपर वाली ज्यादा हो रही है, ऑब्वियस बात है ऊपर वाली ज्यादा होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो एक्स डायरेक्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है वो हो रहा है 3.7 mm, ठीक है, और वाई के अंदर हो रहा है 3.3 जो कि बहुत ही कम है, ठीक है ना, दैट इज क्वाइट ओके विद दैट। सो दिस इज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। सीस्मिक वो जो पुराना वाला है वो देखेंगे तो उस हिसाब से ऐसा, ठीक है। तो अभी हमने रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम देखा तो इट इज क्वाइट गोइंग डिफ्लेक्टेड, और सब कुछ अच्छे वे में हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली कि अर्थक्वेक आएगा तो नीचे वाली बिल्डिंग्स कम डिफ्लेक्ट होगी, ऊपर वाली ज्यादा होगी, तो अपना ग्राफ सही जा रहा था। इट मींस कि हमने जो भी लोड्स लगाए, जो भी लोड्स डिफाइन करे, दे आर गोइंग इन परफेक्ट वे, एकदम सही वे में वो लग रहा है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम प्लॉट इज गुड। आप इसको सिंपल राइट क्लिक करके प्रिंट सेटअप, प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट इट टू बी। और यहाँ ऊपर अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो समरी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, फॉर्मेटेड टेबल के रूप में ये जो फोटो है उसको बिटमैप की फॉर्म में आप लोग पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। सेव है तो यू कैन सेव इट ऑल दैट, ठीक है। दिस वाज द स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट, दैट इज गोइंग गुड, ठीक है। तो अगर आप सब कुछ अच्छा जा रहा है तो अपन डिजाइन कर देते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो I'll click on my 3D view, okay, and I'll go to design, concrete frame design, and I'll go to start a design slash check. ये तो यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो। concrete frame design के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करके start design check, यहाँ क्लिक नहीं करोगे तो इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो डिजाइन ही करने वाला है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, let's say, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू डिजाइन। राइट हैंड साइड 3D व्यू एक्टिव है तो आप लोग देखो उसमें आपको एक ब्लिंकिंग रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, दैट मीन्स वो बीम जो भी बीम है, कॉलम है, उन सबको डिजाइन कर रहा है उस मोमेंट ऑफ सेकंड, ठीक है। तो जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जितने ज्यादा बीम, जितने ज्यादा कॉलम होंगे, इट विल टेक दैट मच ऑफ टाइम। नाउ इट इज डिजाइनिंग कॉलम, कॉलम में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, स्लोली जा रहा है, ठीक है। अब इटरेट भी करेगा एक बार वो वैल्यूज को, ठीक है। जो भी काम चल रहा है आप नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग कंक्रीट ऑटो सेलेक्ट प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज लगा के देख रहा होगा, उस पर सारी डिजाइनिंग एक साथ देख रहा होगा, ठीक है। जब तक होता है विल वेट, ओके। ये होता है तब तक मैं आपको बता दूं कि अब मैंने चैनल्स पे 3ds Max के वीडियोस भी डालने चालू कर दिए, ठीक है। रोज का कम से कम मैं 1 या 2 वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी करते रहना क्योंकि मेरा भी रिवाइज हो रहा है, मैं भी डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ में एक अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक MS ऑफिस करके सॉफ्टवेयर आता है, उसके ट्यूटोरियल में मैं आज से डालने चालू कर रहा हूँ। सर क्या होता है MS ऑफिस? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम तुमने सुना होगा, तुम्हारे 8th सेम में ये सब्जेक्ट आएगा, और 8th सेम में मैंने तुमको बताया था कि आते आते क्या होता है कि तुम लोग भी यूं हो जाते हो कि हमको सिर्फ डिग्री से लेना देना, अभी 8 सेम का एग्जाम है, जॉब वगैरह उसमें तुम हो जाते हो, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह हो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है ना। अपन सिविल इंजीनियर सिर्फ एमटेक नहीं कर सकते, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना एमबीए भी होता है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब। तो जिन लोगों को एमबीए करना है, जो गर्ल्स के लिए भी ज्यादा अच्छे से होता है ये तरीके से, मतलब इसी वाली जॉब है, मस्त वाली, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज होती है, आप लोग कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ मैं, उसमें बेसिक से लेके एंड तक सब बताऊंगा तुमको, तुम्हारा आरटीओ जैसे भी बताऊंगा और सॉफ्टवेयर भी पीछे चलता रहेगा। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उसके बेसिस पे तुम्हें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना होता है। जैसे लेट से मैंने लेके बोल दिया कि देवदीप पे तुम्हारे पास ये साइट है, 50x20 का एक प्लॉट है और तुमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, कितने लेबर पहले दिन लगेंगे, पहले दिन जैसे लेआउट बनेगा तो लेआउट में कितने लेबर लगेंगे, उसको कितने दिन लगेंगे, फिर उसके बाद में खुदाई चालू होगी, फिर उसके बाद में कॉन्क्रीटिंग होगी एंड ऑल दैट। ऐसे उसके बाद में मतलब उनको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिखाना होता है और लेबर्स कैसे यूज करने हैं, कैसे मैनिपुलेट करने हैं, लेबर्स ही नहीं रिसोर्सेज सारे होंगे, तो वो सॉफ्टवेयर में तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो डू गो एंड वॉच एमएस ऑफिस ट्यूटोरियल्स ऑन माय चैनल, ठीक है। चलो ओके, कमिंग बैक टू ईटैब, ये क्या कह रहा है, एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शन डिफर फॉर 18 कंक्रीट फ्रेम्स, 18 कंक्रीट फ्रेम के लिए डिफर हो रहा है। आप रीट्रेट करना चाहते हो, बहुत टाइम है मेरे पास, हम रीट्रेट कर देते हैं, ठीक है। आई प्रेस यस और वो रीट्रेट करेगा। तो फिर से जब एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ से वीडियो चालू कर दूंगा, तो आप लोग देखना। और अगर तुम लोगों को किसी को कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो ना, तो प्लीज डू आस्क, मैं यूट्यूब पे चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा वो जो भी वीडियो है, ठीक है। वेट करते हैं, ठीक है, वेट करने के लिए हमारा चारा नहीं है, ठीक है। एनालिसिस होगा, देन इन गो टू डिजाइन। बहुत सारे जनों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है इवैल्यूएशन वर्जन में, तो ठीक है। इवैल्यूएशन वर्जन में क्या होता है कि बहुत सारे यू कैन से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ना हो रहा है। कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी नौकरी लगे, आपकी अच्छी अपनी जॉब हो, आप लोग खुद वो ईटैब खरीदो, ठीक है। और ईटैब खरीदने के बाद में आपको वो सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जब तक हो रहा है तब तक आप जो भी कर सकते हैं, जैसे विंड एनालिसिस वगैरह, वो जैसे मुझे देवदेव पे कह रहा था कल कि सर आप 5 से ज्यादा लोड केसेस यूज नहीं कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग द इवैल्यूएशन वर्जन। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप एक बार में विंड एनालिसिस ही करो और एक बार में, या देखो मैं भी अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने दे सारे रखे हैं, दैट इज विंड, डेड, लाइव और सीस्मिक रेस्पॉन्स सब कर रखे, पर मैं रन सारे नहीं करा रहा हूँ, मैं रन एक एक ही करवा रहा हूँ। आप वैसे कर लो, विंड को डिलीट कर दो और वो कर दो, नहीं तो फाइल एक अलग से सेव कर दो, ठीक है ना। एक विंड वाली अलग सेव कर लो, इनकी फाइलें केबी में सेव होती है, वैसे भी कोई बड़ी फाइल नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, एक एल्गोरिथम्स होते हैं, डाटाज होते हैं इनपुट के, बस इट वोंट गिव यू प्रॉब्लम। सॉरी, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। ओके, इट्स रीट्रेटिंग। देखो, एक महीना अच्छे से अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स को ध्यान रखते हो, स्टड आपको सर करवा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ईटैब करा रहा हूँ, 3ds Max अगर आप कर ले तो खुद के बेसिस पे या मेरे चैनल से, और एमएस ऑफिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको कराना। और मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि CSI का एक एस्टिमेशन वाला आता है, वो भी मैं खुद एक बार देख के उसके भी यूट्यूब पे वीडियोस डालने चालू कर दूँ, सो दैट कि आपका सब एक बार में मतलब अच्छा हो जाएगा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग इज कम्प्लीटेड, ठीक है। अगर मैं 3D वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो इट इज शोइंग अस दी वैल्यूज, ठीक है, रिइंफोर्समेंट की वैल्यूज। अगर मैं एक बार एलिवेशन ले लेता हूं एंड आई विल गो टू ए एंड आई विल अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। तो मैं स्टील देख सकते हैं कि टॉप मोस्ट वाले में स्टील आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। राइट क्लिक करूंगा मैं इस पे, तो आई विल सी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रेफरेंस 2000 आ रहा है, ठीक है, और मेजर शेयर रिइंफोर्समेंट 920 आ रहा है, एकदम फिक्स नंबर्स में आ रहा है 2000, ठीक है। आई विल गो टू जूम आउट, गो टू द बॉटम कॉलम एंड प्रेस राइट क्लिक, इट इज हैविंग 2204, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में एक ही फंक्शन लगाया, तो इस टाइम क्या हो रहा है, हमारे रिइंफोर्समेंट सारे देखो ऊपर से लेके नीचे तक आप वैल्यूज देखो, लगभग सारी रिइंफोर्समेंट की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, अगर हम सारे एक साथ लगाएंगे तब माथापूरी होगी, ठीक है। और लगाते हैं रियल लाइफ में कॉम्बो आता है सबका एक साथ, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रिइंफोर्समेंट एंड द डिजाइनिंग इज गोइंग टू गेट डन, ठीक है। अब थ्री में जाएंगे, एक ये हो सकता है कि सर हम डिजाइन कर देंगे, हाउ विल बी कॉन्फिडेंट कि हमारा काम सही है कि नहीं है, ठीक है ना। देखो गाइस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हर जना जिंदगी में कोई ना कोई चीज पहली बार करता है, ठीक है। तो तुम जब पहली बार करोगे, जो भी छोटा सा घर करो या जैसा भी कुछ करो, स्ट्रक्चर बनाओ स्टील का कंक्रीट का, तुम जब साइट पे जाओगे और तुम तुम्हारे ड्राइंग कॉन्ट्रैक्टर को दिखाओगे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी तुम कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी तुम्हारा हेड इंजीनियर हो, वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तुम एक बार में इकोनॉमिक डिजाइन लाके दे दो। तो अगर कुछ गलत होगा तो ही विल टेल यू, और अगर नहीं है गलत तो यू विल अर्न द एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, व्हेन यू लूज यू अर्न द एक्सपीरियंस, जब आप हारते हो तो एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा आपका रिवॉर्ड होता है, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, बनाओगे, करोगे, दिखाओगे अपने से बड़े किसी बंदे को तो सही होगा, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो कल हम लोग टाइम हिस्ट्री मेथड देखेंगे ना। टाइम हिस्ट्री मेथड के लिए एक फाइल की जरूरत होती है, वो फाइल वैसे हमारी एक साइट है अर्थक्वेक एनालिसिस डाटा की, दैट इज पेस्मोस करके, वो अभी डाउन चल रही है। मैं कोशिश करता हूँ फाइल ढूंढने की, अगर मिल जाती है तो टुमारो वी विल हैव द टाइम हिस्ट्री मेथड, ओके।